आयकर विभाग ने कहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या घटी नहीं है और इसे सही तरह से समझा नहीं गया है। विभाग ने कहा है कि वित्त वर्ष 2018-19 में ऑनलाइन दाखिल किए गए आयकर रिटर्न की संख्या में 6.6 लाख की गिरावट पर सफाई देते हुए कहा कि वित्त वर्ष के लिए उसकी ई फाइलिंग वेबसाइट पर जो आंकड़े दिखाए गए हैं उसमें पिछले वर्षों के लिए दायर रिटर्न के आंकड़े भी शामिल हैं। विभाग का कहना है कि 2018-19 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 19% बढ़ी है। असल में इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर डाले गए आंकड़ों के अनुसार मीडिया में खबर आई थी कि 2018-19 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या इससे पिछले वर्ष के 6.74 करोड़ से घटकर 6.68 करोड़ रह गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर स्पष्टीकरण दिया है कि जो दाखिल रिटर्न दिखाए गए हैं उनमें पिछले आकलन वर्षों के रिटर्न भी शामिल हैं। उन्हें अलग कर देखा जाए तो 2018-19 में आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 19% बढ़ी है। विभाग ने इस बार 2018-19 में दाखिल रिटर्न पर इस तरह का बयान जारी नहीं किया है, यानी इस बार पिछले आकलन वर्षों के लिए दाखिल रिटर्न में इसमें नहीं जोड़ा गया है। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी, दिल्ली।